नमस्कार। जब बहू ने सास को कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस पर सास का क्या जवाब आता है, कहानी सुनते हैं दोस्तों। आज विवेक बहुत ही खुश था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन हुआ था। सुबह सुबह मधु को आवाज़ देते हुए विवेक बैंक जाने के लिए तैयार हुआ। शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर खाएंगे। माँ तुम भी तैयार रहना। अरे मैं क्या करूँगी, जाकर तुम लोग ही चले जाना। नहीं, इस बार विवेक ने जोर देते हुए कहा, बस चलना है, कोई टाल मटोल नहीं। विवेक मालती का इकलौता बेटा था। जब वह करीब 10 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया था। बड़ी मेहनत और संघर्ष से मालती ने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। आज विवेक बैंक में अधिकारी था। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर दीदी का विवाह भी उसने पिछले वर्ष ही कर दिया। घर में रहते रहते अब मालती का भी कहीं जाने आने का मन नहीं होता। कहते हैं नहीं कि जैसे रहने लगे वैसी ही आदत पड़ जाती है, लेकिन आज विवेक के मनुहार ने उसके मन को जाने के लिए तैयार कर ही लिया। शाम होने वाली थी, मालती हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। जमाना हो गया ऐसे कहीं घूमे गए, वो भी बेटे बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी, सोचा कि कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। यही की सोचकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सामने ही वो साड़ी थी जो कई साल पहले विवेक के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ते झगड़ते थे, ये साड़ी ली थी हमने, उसने की एक बार सिल्क की साड़ी लूंगी, एक ही बार पहन पाई थी। फिर अचानक ही विवेक के पिता नहीं रहे, उसके बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े ही करीब से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बार तो उसे लगा स्वयं को देखकर कि मैं कितनी तितर बितर रहती हूँ। घर पर न जाने क्या सूझा, सूने हाथों में एक एक सोने की चूड़ी पहन डाली, बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप ही कर लिया। मधु के पति विवेक की आवाज़ आई कि कितनी देर कर रही हो मधु, जल्दी करो। अरे आज वे कब आ गए पता ही नहीं चला। तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि मधु की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ, माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। मालती घर के बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हुई थी। मधु और विवेक दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि मालती को आवाज़ सुनाई पड़ी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मधु ने धीरे से हंसते हुए विवेक से फुसफुसाकर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर मालती के सिर पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। विवेक ने मधु को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। अनसुना कर किसी तरह मालती कार में बैठी, उसकी उत्साह पर पानी फिर चुका था। सोच रही थी क्यों आ गई मैं इनके साथ, और आई तो आई, क्या जरूरत थी ऐसे बन ठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास तैयार नहीं हुई, हाँ साड़ी का रंग शायद ज़्यादा चटक हो गया होगा। उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए मालती खिड़की के बाहर देखती रही। विवेक और मधु हंसी चिठोली करते जा रहे थे। बीच में विवेक ने पूछा, माँ क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तो उसने टालते हुए कहा, नहीं तो, बहुत दिनों के बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। विवेक मालती के कान में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी के मुंह पे ऐसी बात कैसे निकल सकती है, मैंने तो कभी मधु के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं वो मेरी बहू है, मैं उसके साथ मित्रवत रहूंगी और हम सब ढेर सारी भी बातें भी करेंगे, लेकिन सिर्फ उसकी सोच से क्या होता है। घूमते हुए मालती अनमनी रही। आज तक उसने अपने मन की बात
कभी किसी से नहीं की। होटल में भी किसी तरह खाना खाया और मन ही मन सोचती रही। फिर एक कठोर विचार के साथ वापस घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मालती ने सपाट आवाज में विवेक से कहा, रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। अभी भी आश्चर्य से पूछा, मधु, तुम भी सुनकर एक ठिठकी रही। फिर जाने लगी, लेकिन मालती ने भी कहा, मधु, तुम भी बैठो। माँ की ठंडी आवाज सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसी क्या बात है, विवेक ने पूछा, जब मालती ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कहा। मधु का चेहरा सफेद हो गया। विवेक कुछ बोलने का प्रयास किया तो मालती ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूंगी, मेरा जवाब सुनोगे, तुम लोग सुनोगे, मालती ने कहना शुरू किया। बचपन में हम चार बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले, घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से ही बहुत सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन अम्मा का कहना था कि ये सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाना होगा वहाँ पर खूब शौक कर लेना, ये सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वो ज़माना भी ऐसा था, विवाह संयुक्त परिवार में हुआ, मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। तीन छोटी नंदे भी थी, उन सब की जिम्मेदारी शादी की मुझ पर थी। मैंने अपने मायके में ये परेशानी देखी थी, इसलिए ससुराल में अपने खर्चों से कहा, इनके लिए पैसा जमा किया, शौक को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इनकी शादी निपटा कर फिर देखेंगे। कौन सा जीवन बीता जा रहा है, नंदों की शादी करके फुर्सत हुई, सोचा अब अपने लिए कुछ खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। मालती बिना सांस रोक के बोलती जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया, अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अब मुझे अकेले ही करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना और घर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना, सिर्फ इतना बचा था मशीनी जिंदगी में अपने लिए। कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम जब सरकारी नौकरी में आए तो जैसे मैंने जिंदगी का इम्तिहान पास कर लिया। तुमने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली, मैं और खुश हो गई कि चलो ये अंतिम जिम्मेदारी भी अब खत्म हो गई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने को कभी भी याद नहीं किया, अपनी पसंद नापसंद शौक कभी किसी को बताया ही नहीं, अपने कष्ट दुख सब अपने तक ही सीमित रखा। पर आज जब तुमने घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा पहली बार तुम लोगों के साथ कहीं जा रहे हैं बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरा भी अब सुखी परिवार है। आज तुम्हारे पिता की याद आई तो मालती की आंखें डबडबा गई। मधु की ओर देखकर उसने कहा, बेटा बस इसलिए मैं घोड़ी हो गई। मधु मालती से लिपट कर रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। विवेक भी माँ के पैरों में सिर रख कर बैठ गया, माँ मुझे भी माफ कर दो, मुझे मेरी गलती हो गई, मैंने कभी मधु को अपने त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज मालती अपना सारा गुबार निकाल कर शांत हो गई थी। किसी ने सच कहा है कि माँ का दुख तब और बढ़ जाता है जब कोई उसका अपना ही अंतरात्मा के शब्दों से छल्ली कर जाता है, तब एक माँ का कलेजा फिर से चीर उठता है। तो देखा दोस्तों, ये था एक माँ का जवाब अपनी बेटे बहू को किस प्रकार से दिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।